क्या है मधु? ब्रेड है। ब्रेड पकौड़ा है फ्रेंड, देख लीजिए पास से। तो गर्मा गर्मा आके आप भी खा जाइए। हाय, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का दिन बहुत ही शुभ है और मधु हमारे साथ है। देखिए नहा ली है, मैं भी नहा लिया हूँ फ्रेंड। सुबह में, सुबह के टाइम लगभग 7:15 बजे हैं। और क्या नाम है, माही भी है नहा ली है और महिमा भी नहा ली है। सब लोग, हम लोग नहा के आपसे सुबह मॉर्निंग में बात कर रहे हैं फ्रेंड। और आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो फिलहाल में इस समय हम लोग बैठ कर आपसे बातें कर रहे हैं। और मधु को ठंड लग रहा है, देखो हिल रही है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग को बढ़िया मालूम होगा कि आज नया साल मुबारक है और हमारे तरफ से भी है। और आज नया दिन है, आज की पुरानी बातों को भूल कर हमें आज नए शुरुआत करना है। पूरा एक दिन, एक महीना, एक साल पूरा नया है फ्रेंड। मतलब हर दिन नया और नया मॉर्निंग का नज़ारा। और सुबह में आपसे बातें करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। और ब्लॉग बाद में बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे मोटिवेट बात है कि आपसे बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप दिन भर पूरा बातें करेंगे। मधु बोलो। गुड मॉर्निंग, आप सब क्या कर रहे हैं? बढ़िया है। आज का दिन नया दिन है। हैप्पी न्यू ईयर। और मधु तुम बोलो। मधु तुम बोलो। फ्रेंड ठंडा लग रहा है मधु को। बोल दो कि ठंडा लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। मैं बोलो, ठंडा लग गया। गुड मॉर्निंग बोलो झटका में। गुड मॉर्निंग। ठंडा लग रहा है फ्रेंड इसको, सुबह में नहीं नहाती ना, लेट लेट ना। तो आज मधु को भी ठंडा लग रहा है, हमको भी ठंडा लग रहा है, लेकिन फ्रेंड लेकिन आज ताजगी है फ्रेंड। नए वर्ष के शुभकामनाएं आप सबको ढेर है हमारी तरफ से। और आज का दिन मंगलमय आपको हो और हर दिन मंगलमय होता चला रहे आपके साथ। और ऐसे ही बातें होती रहेगी हम लोगों का ब्लॉग। और नए वर्ष जैसे पुराना बीत गया हम लोगों का सपोर्ट में, इसी तरह नए साल में भी सपोर्ट आप लोगों का हो। तो सोगाइज आपसे बात। सोगाइज फाइनली हम पूरे परिवार के सपोर्ट में। और आप लोगों से विनती है फ्रेंड कि पुरानी बातों को भूल कर और आज नए दौर से हमें शुरुआत करना है अपना ब्लॉग या फिर अपना दिन या फिर अपना करियर या फिर अपना सारा सिस्टम जो हमें करना है। मतलब आज का ब्लॉग ऐसा है ना कि आपको मोटिवेट करेगा एक तरह से, क्योंकि हमें पुरानी बातें भूल जाना है फ्रेंड। और नए जिससे भी विवाद है, बात है, कोई भी है, लफड़ा है, सफड़ा है, जो भी है फ्रेंड, तो उनको भूल कर हमें नए सिरे से आज का दिन करना है। क्योंकि आज का दिन और एक वर्ष के लिए पूरा नया है फ्रेंड। मतलब हमें पुराना वर्ष छोड़ कर चला गया है फ्रेंड, लेकिन अपना नया वर्ष देख गया है। तो हमें इस नए वर्ष के हिसाब से अपना इस जीवन को अपना बदल कर रखना है कि पुरानी बातें हमें याद ना आए और किसी से कोई बात हो वो भी हम भूल जाए। और अच्छे करियर करने के लिए हमें अच्छी बातें सोचना है फ्रेंड। अच्छे करियर करने के लिए हमें अच्छी बातें सोचना है, पुरानी बातें सोचना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अपना करके दिखाना है। और भविष्य में हमें सोचेंगे कि अगर अच्छा काम करने के लिए हमें पुरानी बातें, बीती हुई बातें या फिर कोई भी विवाद हमें भूल जाना है। और हमारा न्यू ब्लॉग आज हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में है फ्रेंड। और आज का वर्ष और आज का दिन, आज का महीना एक ताज़ा लेकर हमें सचेत कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें गर्व है, फील हो रहा है फ्रेंड कि हमारा पुराना साल छोड़ के चला गया, इसका दर्द है, लेकिन फिर भी हमें नया वर्ष दे के गया है फ्रेंड। और इसका ताजगी भी है, हमें उत्साह भी है। और इस उत्साह में और इस नए वर्ष के हम अपना कामना करेंगे भविष्य में फ्रेंड कि एक नया वर्ष में हमें अच्छा काम करना है और कोई पुरानी बात हो या फिर कोई बात हो हमें भूल जाना है। क्योंकि हमें इस जीवन में हमेशा उतराव चढ़ाव होता है फ्रेंड, और पुरानी बात को भूलकर नई बातों में बदलाव करना चाहिए। क्योंकि हमें नया वर्ष मिला है और नए दिन मिला है, इस नए वर्ष नए दिन में हमें हमेशा पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बात हमें याद आएगी तो हमें नीचा ही गिराएगी फ्रेंड। और भविष्य में ऊँचा करने के लिए कुछ अपना भविष्य में नए बारे में सोचने के लिए, मतलब हमेशा ऊंची बात सोचें, नीची बात ना सोचें। और ज़िंदगी में हमेशा अपने से बड़ों का कद्र करना है और छोटों को आशीर्वाद के तौर पर रखना है फ्रेंड। और अब से जो प्रेम हमारा और प्यार जो बना है पहले से,
वो प्रेम और प्यार हमें अब भी मिला है और मिलता रहेगा, और हमारे तरफ से जो हमें बनेगा आपको हम प्यार देते रहेंगे फ्रेंड। और ऐसे ही उत्साह मौसम में, उत्साह दिन में और भरे शुभकामनाएँ हमारे तरफ से है ढेर सारा कि आप लोग ऐसे ही हमसे बातें करते रहे और ज़िंदगी भर हमसे मुलाकात ऐसी होती रहे, ताकि हमें आपसे कोई वो ढंग का फेल ना हो कि नहीं हमें आप सपोर्ट नहीं किए, हमें सपोर्ट किए हैं, हमें महसूस है और आप लोग का आशीर्वाद भी मिला है। सो गाइज, आई होप आप लोग को हमारा ब्लॉग आज का पसंद होगा। छोटा सा क्लिप है एक मोटिवेट, और भविष्य में जो हमें ऊंचा करना है उसके लिए हमें ऊंची ऊंची बात सोचना है फ्रेंड, और किसी का हमें डीमोटिवेट नहीं होना है किसी का बुरा सुनकर कि आप ऐसे हैं वैसे, हमें उनका सुनना है तो हमें हमेशा नीचा रहना पड़ेगा। अगर अच्छी बात सोचना है फ्रेंड तो हमें अच्छा अच्छा अपना टैलेंट और अच्छे अच्छे बातें और आप सबसे बीच में बातें करना और क्या नाम है आपसे मिलना जुलना, सारी व्यवस्था आपसे बीच में हमेशा होती रहेगी तो कोई प्राउड फील नहीं होगा फ्रेंड, और क्या नाम है हमेशा। सो गाइस, इधर का माहौल सोचा दिखा दें क्योंकि आज नए वर्ष है फ्रेंड, और नए जोश के साथ नए वर्ष के साथ अब लोग का यहाँ का लोकेशन दिखा देते हैं। और आइए देखिए, और इधर ट्राइपॉड जो देखें फ्रेंड, इधर खेत में लिया कर अपने घर के पीछे रखे हैं फ्रेंड, यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग सेट मतलब इसी पर से किए थे तो ठीक है फ्रेंड। और इधर का लोकेशन देख लीजिए, और थोड़ा नाश्ता करेंगे फ्रेंड, ज़्यादा लेट भी हो गया है आज क्योंकि 9 बजने वाले हैं फ्रेंड, बच्चे स्कूल जाने वाले निकल गए हैं और हमारे वो छोटे बच्चे जो हैं तो उनको नहीं भेजे हैं फ्रेंड, ठंडा बहुत ज़्यादा है ना तो इसलिए घर पर छोड़ दिए हम लोगों को, और इधर ट्राइपॉड को लेकर चलेंगे घर में रखेंगे। और सो गाइस, इधर का माहौल बढ़िया लगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंड बोलते हैं कि मतलब डेली एक ही ब्लॉग दिखाते हैं, मतलब डेली एक ही ब्लॉग है फ्रेंड मेरा घर का ब्लॉग है, तो कभी ट्रेवल ब्लॉग हम सोचते हैं कभी कभी बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी जाते हैं तो कभी कभी नहीं जा पाते फ्रेंड, लेकिन डेली ब्लॉग है तो इसलिए छोटा सा ज़रूर दिखा देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, मतलब क्या यहाँ जा रहा हूँ, तो ये सारी व्यवस्था आपको दिखाता ही हूँ क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग है और सपोर्ट भी करते हैं आप लोग और खुशी भी होती है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए और मेरा ब्लॉग ऐसे ही होता रहेगा। गाइस फाइनली हम रेडी हो गए नाश्ता करके, और माही और महिमा और मधु तीनों लोग देखिए क्या बनाई है आज, क्या है मधु? ब्रेड है। ब्रेड पकौड़ा है फ्रेंड, देख लीजिए पास से, तो यही गर्मा गर्मा के आप भी खा जाइए। हाँ, मधु खिलाएगी, माही खिलाएगी, है ना, खिलाओगे ना? और माही बुलाइए। और देखिए पिताजी भी नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंड, आपको दिखा रहे हैं इधर से। गुड मॉर्निंग, देखिए फ्रेंड हम लोग थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, अभी ब्रेड वरेड बना है और ठंडी लग रही है इसलिए गर्म गर्म खा रहे हैं कि थोड़ा गर्मी रहे, नहीं तो मतलब बहुत ठंडी पड़ रही है, यही हम लोग का अथवा है, क्या करें हम लोग थोड़ा पुराना आदमी है, हम लोग को ठंडी भी सताती है ना बूढ़े आदमी को, इसलिए अब क्या करें सोचते हैं कि थोड़ा बन जाए, तो ये बनबूली है थोड़ा सवेरे तो सभी लोग खा रहे हैं, खाए हैं तो हम भी नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आज का व्लॉग हमारा नए साल के दौरान बनाए हैं और आप लोगों को पसंद आया है और आएगा भविष्य में भी, तो आज का व्लॉग को हम लगभग एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे, तब तक के लिए बाय, ओके, जय हिंद।